हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता दी। स्टूडेंट्स, आज हम एसोसिएशन के इस चैप्टर को अंत की तरफ ले जाएंगे, यानी हमारा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें कुछ दो तीन सम है, इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है मोस्ट आईएमपी, और उसके बाद ज्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और एक आध दो छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है। मिला के आज का जो चैप्टर है वो आज के दिन कंप्लीट होने वाला है। सम नंबर हम देखने वाले पहले 32 नंबर। 32 में क्या दिया है? वैसे तो लास्ट में आपको याद होगा 40 का ही करवाया था हमने मंडे को, तो उस दिन आपने देखा ही होगा क्वेश्चन में डिटेल में प्रपोर्शन दिया था और एक डिटेल वो कंडीशन दी गई थी, वैसा ही कुछ यहाँ पे है। पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। 78 नंबर का पेज है, उस पे दिया है सम नंबर 32। इन एन एग्जामिनेशन एट विच 600 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, टोटल कैंडिडेट्स है 600, बॉयज आउट नंबर गर्ल्स बाय 16% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। तो ये थोड़ा सा हिस्सा रहा है, आगे हमें प्रपोर्शन दिया था 40 के ए में, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बदल के दिया है उन्होंने, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है क्या है। आउट नंबर्ड का मीनिंग समझ ले तो प्रॉब्लम नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट एक्सीडेड नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स बाय 310, सेम डिटेल है लास्ट सम 40 के जैसी। एंड लास्ट में बताया है बॉयज फेलिंग इन द एग्जामिनेशन नंबर 88, एंड इसमें तो मेंशन क्लियरली किया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड सक्सेस, ठीक है। तो सपोज में काम इजी हो गया, आसान हो गया, ए बॉयज एंड बी होगा सक्सेस, ठीक है। अल्फा यानी नेचुरली गर्ल्स एंड बीटा यानी फेलियर। सो डिटेल दी गई है, टोटल 600 कैंडिडेट्स है। अब इस टाइप के सम में हम टेबल पहले बना देते हैं, मैंने पहले भी कहा है आगे वाले सम्स में भी, ताकि ये जो वैल्यूज होती है वो हमें कभी हेल्प करना चाहे, कभी कभी हेल्पफुल होती है। सो इसके बाद क्या है, बॉयज आउट नंबर गर्ल्स बाय 16% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। मीन्स अगर सीधी लैंग्वेज में कहें तो बॉयज आर मोर देन गर्ल्स, बॉयज आर 16% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, मोर देन 16% ऑफ ऑल, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर बॉयज एक्सीडेड कह सकते हैं, अगर आपको सेम वर्ड्स यूज करनी है, गर्ल्स बाय 16% ऑफ ऑल। ऑल का मीनिंग क्या होगा? 6। So boys exceeded girls by 16% of all, boys are in frequency of A, girls से 96 जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उस हिसाब से 16% of 600 अगर आप करते हो तो that should be, अगर आपको समझ में आया तो कहीं का आपके 96 हो गए आंसर। तो frequency वाला पार्ट वही है, A plus alpha is capital N, A की वैल्यू भी फॉर्मूला हम रखते हैं, alpha plus 96 plus alpha is N यानी 600, so 2 times alpha plus 96 is 600, minus करते हैं 2 times alpha is 504, so frequency of alpha 504 by 2 यानि 252, so alpha 252 रखते हैं, so A should be 348, ठीक है। उसके बाद दूसरी condition है, वो तो हमारे आगे वाले सम 40 number में है, वही part है, number of past students एक्सीडेड नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स बाय 310, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं सिंपली d इज इक्वल टू बीटा प्लस 310। नेचुरली किया था हमने आगे का, पास्ड स्टूडेंट ज्यादा है, जिस साइड वैल्यू कम हो उस साइड प्लस करना चाहिए, जैसे यहां पे हमने बोला था बॉयज आउट नंबर यानी बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से, तो बॉयज में ऐड नहीं करते, गर्ल्स में ऐड करेंगे तो बैलेंस बनेगा,
तो सेम वही हिस्सा है, तो फॉर्मूला भी वैसे ही यूज करनी है, बी प्लस बीटा इज एन, यहाँ पे भी रख देंगे बीटा प्लस 310 प्लस बीटा इज 600, सो टू टाइम्स बीटा प्लस 310 इज 600 में से माइनस करेंगे तो टू टाइम्स बीटा दैट शुड बी 600 माइनस 310 करते हैं तो वो होगा 290 के, एंड बीटा की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 290/2 यानी 145। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, टैली कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर में ताकि प्रॉब्लम ना आए। सो यस, अब वैल्यू रख देते हैं, बीटा की वैल्यू है 145, तो माइनस कर लेते हैं 600 में से 455। आखिरी डिटेल है वो शायद हमें दी गई है, लास्ट डिटेल में बोला है बॉयज एंड फेल, बॉयज यानी ए, फेल यानी बीटा। 40 नंबर में गर्ल्स फेल दिया था लास्ट वीक जो लेक्चर में हमने काम किया था उसमें, और यहाँ पे ए बीटा जो है वो है 88 दिया गया है। ठीक है, सो बाकी के वैल्यूज ढूंढते हुए, सो 348 माइनस 88 करेंगे तो होगा 260, एंड 145 माइनस 88 करेंगे 57, सो दिस शुड बी 195 प्लस 195, चेक कर लेते हैं, यस इट इज, सो टैली जरूर कर लेना टोटल लिखने के बाद। ओके डन, तो फाइनली हमें काम करना है वही हमारा काम, सो दो बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है वैसा पार्ट है, तो वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स लास्ट दो लेक्चर से हम देख रहे हैं, सो फाइनली यूज कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, हर बार टाइटल प्रॉपरली देना है, यानी क्यू होगा हमारा फॉर्मूला वही है ए बी विद अल्फा बीटा माइनस एक्सचेंज ऑफ ए बीटा विद अल्फा बी वही होगा नीचे प्लस। सो अब तो कैलकुलेटर का काम रहता है, सो थोड़ा स्टार्टिंग में कष्ट रह सकता है ये अंडरस्टैंडिंग करने में, उसके बाद तो काम एकदम सिंपल सा ही है, तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो 260 × 57 देन 88 × 195 नीचे वही है खाली प्लस, सो दिस इज 14,820 दोनों जगह पर रख देते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है मल्टीप्लाई करते हैं 88 × 195 सो 17160, सो नेगेटिव आंसर दिख रहा है क्लियरली, 14820 माइनस 17160 सो माइनस 2340, सो अनफॉर्चुनेटली दोनों ही सब में बॉयज का एसोसिएशन नेगेटिव आ रहा है, उन डेटा के लिए बॉयज को मेहनत करनी चाहिए, इस डेटा के लिए बात हो रही है, एंड यहाँ पे ध्यान कॉमर्स में भी ऐसा होता है ज्यादातर गर्ल्स का रेशियो जो है सक्सेस का आई मीन हायर रिजल्ट का अच्छा रहता है माइनस 0.07, तो आप आंसर ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें भी आंसर हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस 0.07, और जो आगे वाला सम था उसमें भी आंसर शायद यही था माइनस 0.07, बाकी ये दोनों में सेम आंसर मिल रहा है, बॉयज एंड सक्सेस में नेगेटिव एसोसिएशन आ रहा है, सो नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड तो कैलकुलेशन सिंपल ही रहती है। तो ओवरऑल हमारे सभी जो हैवी एग्जांपल या थोड़े थोड़े बड़े एग्जांपल्स के बारे में अगर बात करें मोस्ट टाइम भी वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ सम ऑब्जर्व करने हैं, जिसमें एक सम जो है लास्ट टाइम मैंने 40 में ए करवाया था और उसका बी बाकी रखा हुआ था उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, और वैसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव सेक्शन में हमारे सेक्शन दिया जो जाता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन उसमें से भी हम कुछ सम करते हैं। ठीक है, तो काम बहुत इजी रहता है, वैसे एसोसिएशन जो है कंपैरेटिवली इजी ही है, वैसे तो हर चैप्टर इजी होता है अगर आप रेगुलर साथ में मेहनत करते हो समझते हो तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी है वो ऑब्जर्व करते हैं पहले, 40 का बी, और ऐसा सम ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 साल पहले के पेपर में भी आ चुका है। 40 का बी क्या कह रहा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स,
तीन फ्रीक्वेंसी दी है और अब कई बार कह चुके हैं फ्रीक्वेंसी में टेबल तभी बनता है जब आपके पास चार फ्रीक्वेंसीज हो, अदरवाइज टेबल कंप्लीट नहीं होता और आप एसोसिएशन फाइंड नहीं कर सकते। तो अब इसमें दिया क्या है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। अब हमारे दिमाग को एक्टिव करना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कैसे ढूंढोगे जरा ऑब्जर्व करो, आपके पास डिटेल में क्या है, ए है, बी है, एन है। यानी अगर आप टेबल में जाते हो, साइड में मैं रफ में लिखा रहा हूं यहाँ पे ए अल्फा बी बीटा, कुछ लोग क्या सीधा टेबल ही ड्रॉ कर देते हैं, तो हम भी वही काम करते हैं कि चलो टेबल ड्रॉ कर देते हैं। टेबल में मैं लिख देता हूँ एन 200, ए की वैल्यू है 50 तो ये होगा 150, बी की वैल्यू है 140 तो ये होगा 60, ठीक है। आप क्या कर रहे, ठीक है, हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी ढूंढनी है, हमें कोई टेबल नहीं बनाना है। फॉर्मूला कौन सी आप यूज कर सकते हो, हमारे पास टोटल तीन मेथड्स हैं और वैसे कहें तो एसोसिएशन के लिए चार। डेफिनेशन, स्टार्टिंग में डेफिनेशन में कहा था, यहां पे बताया गया है कि हियर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, ओके, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है तो चार ऑप्शन है। पहला बाय डेफिनेशन ए बी अल्फा बीटा इज इक्वल टू, याद हो तो स्टार्टिंग में थियरी में समझाया था मैंने, ए बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा इंटू अल्फा बी, तो आपका एसोसिएशन क्या होगा, एब्सेंस या कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट। मगर यहाँ पे हमारे पास ये एक दो तीन वैल्यूज होती, अल्फा बीटा ए बीटा अल्फा बी, तो कोई कष्ट नहीं था, तो मैं ए बी ला सकता, मगर वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर टू, अगर हमें प्रपोर्शन मेथड के बारे में सोचना है तो ये दो एट्रीब्यूट्स हैं ए बी के लिए, ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए बीटा अपॉन बीटा हो जाए, याद होगा आपको ऑपोजिट एट्रीब्यूट लिया जाए प्रपोर्शन मेथड, तो बी बी की जगह बीटा बीटा, तो यहाँ पे भी हम अटके हुए, हमारे पास बीटा है, हमारे पास बी है, मगर हमारे पास ए बीटा नहीं है। यानी तीन वैल्यू हो तो ही चौथी वैल्यू मिल सकती है। सेम वे मैं क्यू वाली फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि क्यू में भी हमें क्या चाहिए, ये सभी फ्रीक्वेंसीज चाहिए, ठीक है, वही और नीचे प्लस। क्यू में जीरो रख सकता हूं, मगर अगेन ये चार में से तीन फ्रीक्वेंसी नहीं है अवेलेबल, तो गड़बड़। अब वैसे मैंने तीन चीजें डिस्कस की, चौथी मेथड डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो है हमारी मेथड ऑफ कंपैरिजन। बाय द मेथड ऑफ कंपैरिजन, अगर आपको सभी मेथड याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, मेथड जो कहती है हमें, वो कहती है कि जो भी दो एट्रीब्यूट्स हो उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड उनके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। और यहीं से हमारा आंसर सीधा मिल जाएगा, तो हम वैल्यू रख देते हैं, सीधा फटाफट आंसर मिलता है 50 × 140 / 200, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे वो सिंपल है 14 × 5 = 700 / 200 = 35, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये, डिटेल के हिसाब से आपको मेथड यूज करनी है, तीन मेथड है और चौथा हमारा बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो उस तरह से आप कैलकुलेट करके आप वैल्यू ढूंढ सकते हो। अब जो हमें जाना है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जाना है, पेज नंबर मेरी एडिशन में 82 है, अलग एडिशन हो तो शायद एक दो पेजेस ऐड किए हो तो 82-83 पे होगा आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नॉर्मल है, आप इजीली देख पाओ वैसे ही है, जैसे कि पहला ए एंड बी आर टू एट्रीब्यूट्स देन ए बी प्लस ए बीटा, हमारी कंसिस्टेंसी वाली फॉर्मूला, दोनों में कॉमन क्या है ए, तो आप लिखोगे ए बी प्लस ए बीटा इज ए। फिर नीचे दूसरे में भी वही फॉर्मूला है बी प्लस बीटा, कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या आता है बी प्लस बीटा यानी कैपिटल है, ठीक है, तो वो काम भी आप इजीली कर सकते हो। कुछ जो है ऑब्जेक्टिव मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं आज, क्योंकि वो काम हम बहुत ही आराम से कर चुके हैं डिटेल में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव नंबर जो है हमारा तीसरा, वो आपको होमवर्क में मिलेगा। कंटीजेंसी टेबल के लिए वैल्यू दी गई है, डिसाइड द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, ना बताया जाए तो यूल मेथड यूज करनी है, चार वैल्यू टेबल में रख के आप यूल मेथड यूज करके एसोसिएशन बता सकते हो। चार नंबर, इज द डेटा कंसिस्टेंट, टेबल वैसे तो चार मार्क्स में या तीन मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए
तो आपको पूरी कैलकुलेशन दिखानी पड़ती है, मगर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा हो तो जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव 4 है तो उसमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी 140, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 260, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा 200 एंड कैपिटल एन के आजू-बाजू ब्रैकेट नहीं होता। तो इसमें हम सीधा टेबल के ऊपर से कह देंगे। ध्यान रखना है अगर बड़ा सम पूछा जाए 3.5-4 मार्क्स में तो हमें बाय यूजिंग फॉर्मूला ये कैलकुलेशन करनी होती है कंसिस्टेंसी वाली। एंड 300 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी 140 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 260 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा 200 है और ये है 100, ठीक है। नेचुरली आपको पता चल जाएगा ये 120 होगा, ये 80 होगा, ये ऑनली 40 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें लिखनी पड़ेगी -40, ठीक है। सो आपको कंक्लूजन में इतना लिखना है, ये ए बीटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा इज लेस देन 0, देयरफॉर डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव नंबर 4 हुआ, लिखने तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव सीक्वेंस में ही है। मैं चाहे अभी जो समझा रहा हूँ कुछ डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मगर आपको सभी 10 के 10 या 12 के 12 आपकी एडिशन के हिसाब से जितने भी हो वो ट्राई करने, ठीक है। फिलहाल मिनिमम 10 तो करने ही है, फिर मैं जब बाद में रिविजन कराऊंगा तब पेपर के साथ हम हर ऑब्जेक्टिव जो बचे हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स के वो ऑब्जर्व करेंगे। 5 नंबर में अभी करवाने वाला हूँ, उसे छोड़ते हैं। 6 नंबर जो है बाय प्रोपोर्शन मेथड आप होमवर्क में ही करोगे, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 के बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 6। 7 नंबर when two attributes A and B are said to be independent, तो 4 ऑप्शन है वो मैं कह चुका हूँ। By definition, AB into alpha beta is equal to A beta into alpha B. Answer में उन्होंने एक वही लिखा है, उसके अलावा आप लिख सकते हो Q is equal to 0, उसके अलावा proportion लिख सकते हो AB upon B is equal to A beta upon beta, या चौथा ऑप्शन जो अभी हमने यूज किया AB के लिए frequency of AB, observed frequency of AB is equal to expected frequency. चारों के चारों आंसर वैलिड माने जाते हैं एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन के लिए या इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। तो उसमें आप जब लिखो तब चारों के चारों ऑप्शन लिखना, ठीक है। 8 नंबर वो भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, यूज मेथड यूज करनी है, छोटा सा प्यारा सा पार्ट है। 9 नंबर एंड 10 नंबर हम करने वाले हैं, यानी अब हमें देखने हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर और फिर होगा अंत हमारे पहले यूनिट का, और टेक्निकली उसी यूनिट पहले यूनिट में हमारा ये दूसरा चैप्टर है, चैप्टर वाइज का है, तो दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो पहले देखना है हमें ऑब्जेक्टिव नंबर 5, ऑब्जेक्टिव नंबर 5 यहाँ पे जो डिटेल है वो तूफानी डिटेल दी गई है, गुमराह करने का ट्राई किया गया है जानबूझ के, क्योंकि कंडीशन कभी ऐसी होती नहीं है। n is equal to 400 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज 300, ठीक है। अब जब भी कंडीशन अब तक हमने देखी उसमें यहाँ पे a हो तो यहाँ पे b नहीं होता, अल्फा देते हैं वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे a भी है तो यहाँ पे a बीटा देते हैं तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेबल बनाना है पहले, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टेबल बनाओ, अगर आपको कष्ट लग रहा है तो आपका काम आसान हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल एंड एग्जाम्पल मेंबर लेवल दे। एन 400 मिल रहा है हमें, फ्रीक्वेंसी बाकी कोई नहीं है, पहले दो छोड़ दो, बीटा हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा 300 है तो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या होगा 100, सो हमारा काम सॉल्व हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 100 है तो आप कुछ बाकी नहीं रहा, आप सीधा रख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 × b, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी यानी 3 × 100, सो वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एज 300, दैट्स ऑल। यही एक यूज करना था, जो डिटेल दी जाए उसका इस्तेमाल करो, बाकी की वैल्यू टेबल में से ढूंढो रखो और उसके बाद तो काम हमारा आसान ही होता है। बी की जगह में 100 रख देंगे, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी 80, सो 80 ये 20 होगा तो ये 80 होगा और ये होगा 220। उसके बाद तो एज यूजुअल मेथड बताई ना जाए तो आप यूज करते हो यूज मेथड, यहाँ पे बताया एसोसिएशन बाय कंपैरिजन मेथड, सो बाय द मेथड ऑफ कंपैरिजन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम। सो वैसे ये
3.5 मार्क्स 3 मार्क्स का सम भी हो सकता है, और ए एंड बी हम कह सकते हैं। ए एंड बी के लिए क्या करते थे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, तो थोड़ा रिविजन भी हो जाता है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी फ्रॉम टेबल विच इज एग्जैक्टली 80, एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो वैसे मैंने ऑब्जेक्ट भी पाया, मगर लिखने का काम तो पूरा होता है, जिस तरह से हम आगे भी करते थे सेम वही है। तो वैसे ये सम ही है हमारे लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 300 × 100/400। सो इट इज 75, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 75 है, तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे हमें बताया नहीं है ए एंड बी कौन है, मगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एसोसिएशन कैसा होगा, पॉजिटिव एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव नंबर 5, मोस्ट टाइम पे टिक करना। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, 5, देन 7, 9 एंड 10, 4, 5, 7, 9, 10, ये मोस्ट टाइम पे आप टिक कर सकते हो। अब दो ऑब्जेक्टिव हमें आखिरी देखने हैं, 9 नंबर एंड 10 नंबर, और एक बार इलस्ट्रेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। सो ऑब्जेक्टिव नंबर अब 9 देखने वाले हैं। डेटा एकदम प्यारा सा है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल एंड एग्जाम्पल के मार्क्स पूरे हमें इतना दिया है। पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, मगर हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। मैंने जैसे कहा आगे यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्यू, और सही जगह पे सही वैल्यू रखो और मार्क्स ले जाओ नीचे प्लस। सो ए बी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कोई भी नहीं है, मगर हमारे पास रिलेशनशिप है। ए बी की जगह पे मैं दोनों जगह पे 3 ए बीटा लिखूंगा, अल्फा बी यहां पे है, अल्फा बी की जगह पे मैं रखूंगा 2 टाइम्स अल्फा बीटा, यानी आई एम पुटिंग द वैल्यूज विच आर गिवन, ब्रैकेट में रखता हूँ, कलर बदल रहा हूँ, आप एग्जाम्पल में कलर मत बदलना, ठीक है, आपको समझ में आए इसलिए ये काम किया जा रहा है। और ए बी अल्फा बी की जगह पे 2 टाइम्स अल्फा बीटा, ठीक है, और नीचे भी उसी तरह से हम कर सकते हैं 3 टाइम्स ए बीटा माइनस, पूछ का ख्याल रखना। और अब एग्जाम्पल एकदम प्यारा बन गया है, कॉन्स्टेंट है 3 टाइम्स ए बीटा अल्फा बीटा, नीचे वही हिस्सा खाली प्लस, यानी अल्टीमेटली एक्स वाई जैसे फीलिंग आती है 2x-3x-2x, 3x+2x, तो 3x-2x तो only x बचता है, 3-2 यानी 1 times बचेगा, a beta with alpha beta, नीचे 3+2 यानी 5, a beta with alpha beta, a beta alpha beta cancel, यानी 1/5, यानी हमें हमारा q जो मिलेगा, वो मिलने वाला है 0.2, ठीक है, तो calculation बहुत ही प्यारी है, simple है, q की value हमें मिल चुकी है 0.2 और हमारा आंसर भी आ चुका है। अब हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव कहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 10, उस पे नजर करते हैं और उसमें डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पे हमें दिया गया है एब्सेंस या इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट, और 3 वैल्यू रेडी है, 4th वैल्यू ढूंढनी है, ए बीटा ढूंढना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, ओके, सो हियर A and B are independent attributes.
सो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, तो देयरफॉर हमें पता है बाय डेफिनेशन, ठीक है, चार एट्रीब्यूट वाली पेयर वाला पार्ट है, ए बी की फ्रीक्वेंसी इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा विद अल्फा बी, ठीक है। तो इसमें तीन वैल्यू रख देते हैं, बाकी की वैल्यू चौथी जो है वो हमें मिल जाएगी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो काम सिंपल है, मगर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 150 को शिफ्ट करते हैं नीचे, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा 75 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। और इसका आंसर जो है आप कैलकुलेटर यूज करते हो, सीधा भी वैसे कर सकते हो, 50 आएगा आंसर 25। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव का सेक्शन, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव तक का काम मैंने करवाया, बाकी आपकी बुक में है 11, 12, 13 एडिशन के हिसाब से, लेटेस्ट एडिशन में ज्यादा होंगे ऑब्जेक्टिव, तो आप चेक कर सकते हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो या रहने देना। रिविजन सेशन के लिए मैं बाकी रखता हूँ हर बार यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव्स, तो वो उस टाइम ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। तो एसोसिएशन में ये एब्सेंस वाले चार हिस्से में ध्यान रखना है, वो पूछा जाता है आगे, वो हमने कंपैरिजन वाला पार्ट देखा, अब ये हमने देखा बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो मेंशन करना है तो आप कह सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, या हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन किसकी है तो आपको पता ही है, एसोसिएशन में एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब जो बात करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट, सॉरी इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है। आपको जो करना है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 14, उसमें उन्होंने क्या दिया है, पेज नंबर 71 पे टेबल ही दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन मैच्योरिटी एंड रेगुलर प्लेइंग हैबिट्स। और मैच्योर कब कहा जाता है कोई भी पर्सन, एज 18 से ज्यादा हो तो। यहाँ पे दो हिस्से हैं, एज में दो पार्ट दिए हैं, 15, 16, 17 एज, यानी वो नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स कहे जाएंगे, नॉट मैच्योर, एंड उसमें बाकी डेटा जो है वो नॉर्मल है। मैच्योरिटी एंड रेगुलरिटी लिख के इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैच्योर स्टूडेंट्स पहली जो सेकेंड रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, मैच्योर स्टूडेंट यानी 18, 19, 20 के नीचे 120, 180, 300 मिलेगा। नॉट मैच्योर स्टूडेंट यानी अल्फा की फ्रीक्वेंसी, वो भी दूसरी रो में 250, 200 और 150। और रेगुलर प्लेयर है वो एज के हिसाब से है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी आपको डायरेक्टली मिलेगी। 15, 16, 17 वाले नॉन मैच्योर्ड एंड रेगुलर प्लेयर होंगे, और 18, 19, 20 की एज में नीचे 48, 30, 12 है वो होंगे मैच्योर्ड एंड रेगुलर प्लेयर, ठीक है। तो ये थोड़ा टेबल को समझना जरूरी था, बाकी सम बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन नंबर आप 14 करोगे, 15 नंबर ट्राई करना, ना समझ में आए तो छोड़ दो उसे, जब ऑफलाइन वाला पार्ट होगा तब मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा वो। और बाकी अगर कोई इलस्ट्रेशन रह गया है, कोई सम रह गया है, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। नॉर्मली सभी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो हमने इंक्लूड कर ही लिए इस इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। तो हमारा ये पहला यूनिट कंप्लीट हो रहा है पूरा, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का हम संडे को टेस्ट ऑब्जर्व करेंगे, सब कुछ रेडी करके रखो, ठीक है। यहाँ तक का काम हमारा रहेगा आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।